हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो जो है वो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं तो ना कोई नॉलेज की बात करूंगा, ना ही किसी चीज की तोड़ फोड़ या कुछ जोड़ मोड़ तरोड़ करूंगा। तो आज की वीडियो होगी मेरे सिंगापुर जाने की पर्सनल बैग की पैकिंग। जी हाँ, तो मैं क्या क्या सिंगापुर में लेके जाने वाला हूँ, स्पेशली मेरा जो गैजेट बैग है उसके गैजेट्स क्या क्या लेके जाने वाला हूँ, क्या क्या वहाँ पे, मतलब एक्चुअली सिंगापुर जा रहे हैं या मलेशिया जा रहे हैं, क्रूज जा रहे हैं, तो फिर उसकी शूटिंग तो चाहिए कि नहीं यार, बिना शूटिंग के कैसे मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होगा, थोड़ा बहुत शूटिंग भी करेंगे, बिकॉज इट्स माय पैशन। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको मेरे पास क्या क्या मजेदार चीजें और क्या क्या मैं मेरे न्यू बैग के अंदर क्या क्या लेके जाने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा नया बैग, कंपनी है कार्लटन। तो कल ही मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये ऐसे आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस बैग है, क्योंकि इसमें काफी सारे जो है जगह दी गई है। जो मेरा पुराना बैग था उसके जैसा ही है, बट एटलीस्ट मुझे इस बार अपग्रेड करना पड़ा। तो हम इसे ले जाने वाले सिंगापुर। तो चलिए आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देता हूँ। तो इसी के साथ ही साथ अपने गिनेंगे इसके अंदर कितने सारे जेब दिए हुए हैं। तो पहला है ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये एट, ये नाइन्थ, और साइड में ये दिया गया है ये टेंथ। उसके बाद है ये है इलेवेंथ बॉटल रखने के लिए, और ये है ट्वेल्थ, ये है थर्टींथ, और ये है फोर्टीन। तो ये स्पेशली मुझे काफी चीज अच्छी लगी कि ये लैपटॉप की सेफ्टी के लिए अच्छा सा बैग दिया गया है। ये 15 और ये है 16। सो दोस्तों, ये है मेरा गैजेट बैग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मैं सिंगापुर के साथ क्या क्या लेके जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, ये है मेरा लैपटॉप जिसके अंदर मैं एडिटिंग कर लूंगा। ये है टैबलेट मेरी वाइफ के लिए, जिसके अंदर वो फ्री होगी तो थोड़ा टाइम मूवीज देख लेगी। ये है हार्ड डिस्क जिसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी मूवीज और थोड़े थोड़े जो फोटोज होंगे, क्योंकि वहाँ पे सिंगापुर के अंदर क्रूज के अंदर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे सारा डेटा जो है इसमें डालना होगा। ये माउस जो है इसको कंट्रोल करने, क्योंकि इसमें जो माउस का जो सिस्टम है वो काफ़ी छोटा दिया गया है। फिर सेकेंड ये हो गए, ये दोनों इसके चार्जर। फिर ये हो गया मेरे गैरेनो का माइक यूट्यूब की शूट के लिए, और नेक्स्ट हो गया 30,000 mAh का MI का पावर बैंक, और ये साथ में इसके दो लटकनिए, सादा वाला और सी टाइप। नेक्स्ट होगा ये मैट्रिक्स का दो सिम कार्ड, मेरा एक मेरी वाइफ के लिए। ये हो गए दो सेल्फी स्टिक, अगेन फॉर मी एंड माय वाइफ। ये हो गया USB एडाप्टर, यूनिवर्सल एडाप्टर, क्योंकि वहाँ पे ये सादे वाले नहीं लगने वाले, वहाँ चलेंगे ऐसे कुछ। तो ये हो गया मेरा फॉरेक्स का कार्ड जो मैंने कोटक से परचेस किया, परचेज नहीं, उन्होंने फ्री में दिया। ये हो गया मेरा मोबाइल का चार्जर, ये हो गया मेरा स्पीकर, ये एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है ताकि कि मैं इसको चार्ज कर सकूं इसको, के फिर बस ये एक ही है। फिर नेक्स्ट ये मेरे दो पासपोर्ट, न्यू एंड ओल्ड, मेरी वाइफ का जो है वो उसके पास पड़ा है। ये हो गया मेरा बनाया हुआ, मेरा एंड रणछोड़ भाई का बनाया हुआ 5 पोर्ट वाला, 5 के 6 पोर्ट वाला चार्जिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर कैसा है कि ये सादे, तो ये वाला चार्जर नहीं, ऊपर से ये वाला जो है दो डंडी वाला, ये ऐसा चार्जर लगेगा वहाँ पे, तो इसके अंदर ये लगा के पिन लगा के यूज़ कर लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, ये जितनी भी सामग्री है, सर ये चीज़ को बताना भूल गया, पेन ड्राइव भी लेके जा रहा हूँ साथ में, ये SD कार्ड एडाप्टर प्लस ये वाला OTG, कभी कुछ ट्रांसफर के लिए काम आ जाए, एंड सेकेंड सी टाइप वाला OTG। तो
तो ये सब जो सामग्री है वो मुझे अब डालनी है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करता हूं मैं अभी फटाफट से, अंदर क्या क्या चीजें कैसे कहां किधर डालनी है वो अभी डालना शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक चीज ही डालनी शुरू करते हैं। पहले तो डालेंगे ये वाला लैपटॉप, वैसे भी ये बैग की कैपेसिटी मैक्सिमम 15 किलो ले जाने की है। फिर डालेंगे ये टैबलेट। अब डालने हैं इसके चार्जर, चार्जर का जो सेक्शन रहेगा वो पूरा का पूरा रहेगा यहाँ पे। फिर ये आ गया टैबलेट का चार्जर, ये आ गई हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के लिए यहाँ पे अलग से जो है सेक्शन दिया हुआ है। हार्ड डिस्क के साथ इसका जो वायर है वो भी हम रख देंगे साथ में। नेक्स्ट आ गया मेरा MI का पावर बैंक, अब देखो इतना बड़ा अंदर आ पाता कि नहीं, साथ जाएगी। तो दोस्तों सॉरी एक चीज बताना भूल गया था कि इसके अंदर भी बाहर से USB स्लॉट दिया हुआ है चार्जिंग करने के लिए। बेसिकली इसको कैसा होता है, यहाँ से पावर बैंक यहाँ जोड़ना होता है और इसके साथ यहाँ से जो है ये यहाँ लगाना होता है। तो यहाँ से हम बाहर से चार्ज कर सकते हैं इसको। तो एक बार मैं आपको चार्ज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्ज होना शुरू हो गया। तो गाइस पावर बैंक तो यहाँ पे आ गया, इसके जो एक्स्ट्रा वायर्स है वो एक्स्ट्रा वायर्स का जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा कुछ यहाँ पे। और ये जो है इसका भी एक एक्स्ट्रा वायर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी चार्ज करना पड़ जाए वो रहेगा यहाँ पे। अब हम लेंगे गैनो का माइक, गैनो का माइक हम रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब लेंगे माउस, माउस हम रखने वाले इधर। नेक्स्ट आ गए सेल्फी स्टिक्स, सेल्फी स्टिक्स को मैं रखना चाहूँगा, चलो सेल्फी स्टिक रख देते इसमें। अब नेक्स्ट आ गया मेरे गिम्बल का बॉक्स, और गिम्बल जो है अभी तो लगा हुआ है, अरे ये तो जगह कम पड़ रही है अंदर। चलो इसकी भी कोई टेंशन तो नहीं है मेरे को, क्योंकि इसके अंदर एक और फीचर दिया हुआ है वो है बैग को एक्सपांड करने का, थोड़ा बहुत एक्सपांड हो जाएगा तो जगह मिल जाएगी। और तो ये डाला अंदर, ओहो काफी बड़ा हो गया, तो इसका कुछ सेटिंग और करना पड़ेगा। तो इसमें डाले तो दूसरी चीज है वो है चार्जर। सॉरी ये यहां नहीं डालना चाहिए, यहाँ पे हम डालेंगे, चलो इधर तो कुछ नहीं रखते, अभी हम डालेंगे गिम्बल, गिम्बल डालेंगे यहाँ पे। फिर जो एडाप्टर आ गया चार्जर का वो डालेंगे हम इधर, कितने भी एडाप्टर आ गए वो सब हम डालेंगे इधर। फिर इसको चैन को बर्तन कर देंगे। फिर ये आ गया ट्रैवल एडाप्टर, इसको भी हम डाल देंगे इधर, डाल देते इसको इसके पीछे। फिर आ गया मेरा फॉरेक्स का कार्ड, तो बुक्स की कोई जरूरत नहीं, तो बुक का तो फिर मेरे को यूज नहीं है, तो इसको मैं डाल दूंगा फॉरेक्स कार्ड को, इसको थोड़ा सेफ करना पड़ेगा इसको। इसे हम डालेंगे, चलो डालेंगे हमें इधर माफ के साथ। फिर नेक्स्ट आ चुके हैं मेरे छोटे मोटे मुन्नू मुन्नू पेंडाई ओटीजीएन वगैरह, तो इसको हम डालेंगे इधर। फिर नेक्स्ट आता है मोस्ट एंड वैल्यूएबल थिंग, पासपोर्ट्स, तो पासपोर्ट्स अगे जो है हम डालेंगे इधर ताकि के सेफ है सिक्योर है। अब क्या बच गया, अब बच गया मेरा स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट तो नहीं होगा ठीक है स्पीकर है। नेक्स्ट रह गया मेरा चार्जर, तो चार्जर तो है हमने इसमें डाला था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वायरिंग का पूरा जो है वो सिस्टम रहेगा इधर, तो वायरिंग हम रखेंगे इधर। अब जो रह गए वो रह गए मैट्रिक्स के सिम कार्ड, ये तो मोबाइल में जाएंगे इसलिए इसको इधर डालने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सब सही से डाला है क्या, स्पीकर हम रख देंगे इधर, टैबलेट का चार्जर आ गया इधर, ये चार्जर आ गया इधर, गिम्बल का बॉक्स आ गया इधर। चलो अब इसको कर देते हैं पैक।
फिर इसको भी कर देते पैक। अभी भी इसमें काफी जगह बची है, पर ठीक है, अभी इतना कोई सामान आना नहीं है। सो दोस्तों, मेरा जो है सिंगापुर का बैग हो गया है रेडी रेट एकदम खत्म। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कौन सा जो सेक्शन है आपको पसंद आया मेरे वीडियो का वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।